ये है 65 MS बसुनी सर। ये बसुनी आप ये ड्रहान लॉन्च स्टॉप का बसुनी पड़ती है जहाँ पली तरफ देरी है और देरी की पंचायत के चार वार्ड क्या है ये हमारी है कि PS MS मानता में इसलिए MS मानता में यहाँ के लोगों को बाहर के लोगों को MS मानता में अगर दिया जाए तो उनके साथ इंसाफ सर। ये बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है अगर आप गए होंगे तो यहाँ से इस जो मल्ला जहाँ हम नागरा होता है आपको हालात खराब हो जाए और टेंशन हो जाए बिटवीन टू कंट्रीज तो आप देखिए वहाँ वो लोग नहीं आ सकते वोट डालेंगे। कभी वो बार ऐसा हुआ है कि उन्हें वोट डाला ही नहीं है। ये दराटी में आती है हाई स्कूल दराटी इनका पोलिंग स्टेशन पर आप नोट करेंगे। आज जो मीटिंग अजीम साहब ने बुलाई उसमें हमने यही डिस्कस किया कि हमारा इलाका जो है हिली एरिया है तो कहीं इलेक्शन कमीशन ने 1300 पर जो है वो एक स्टेशन क्रिएट करने के लिए कहा है। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो है ये जो 1300 जो है कम से कम 2-4 किलोमीटर का एरिए को मिलाकर जाकर 1300 बनेगा। हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ का टोपोग्राफी है जैसे यहाँ का इलाका है उसी पर जैसे जैसे कोई मैं कहते हैं कि 800 या 900 पर यह स्टेशन बने तो यही हमारी डिमांड है कि भाई यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है दूर से लोग दूर दराज से आते हैं और टाइम पर पहुँच नहीं सकते तो वोट कास्ट नहीं करते। लिहाजा यही सरकार से दरख्वास्त है कि 1000 के करीब जो है रख कर वो इसको स्टेशन बनाया जाए। हाँ अभी हमारी रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन पीछे हमने प्रोसेस जो है स्टार्ट किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक मीटिंग रखी थी उसमें हमने इनके भी जो तौसरात लिए इनसे भी पूछा कि कहाँ कहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा जहाँ पे कहीं पोलिंग स्टेशन क्रिएशन की बात करें जो लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं कम से कम 1500 वोट होने चाहिए एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में तब भी जाके नया कहीं क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम देखा गया हमारे यहाँ पे हिली टेरेन है बहुत हिली एरिया है बहुत दूर दर कट जोग्राफिकली एक आइसोलेटेड जगह भी हैं कुछ ऐसी टोपोग्राफिकली भी बहुत टफ एरिया है। तो इसके लिए सबको बुलाया था कि बैठ के एक बात हम करें एक दूसरे के साथ ये अपने ख्याल जो है वो एक्सचेंज करें आइडियाज़ ताकि हमें भी पता चल सके कहाँ कहाँ हमारे एरियाज़ जो हैं वो उस पर रिलुक करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने BLOs को भी बुलाया हुआ था कि वो भी हैं उनसे भी हमने जो है वो डिटेल्स ली हैं। तो जो जो पॉइंट्स हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे उठाए हुए हैं तो उन पॉइंट्स पे हम जो है काम करेंगे फील्ड में जाके देखेंगे तो जो जो जनमन होगा तो उसी हिसाब से जो है रेशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे।